गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये अपनी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास सिक्स की जो ये श्रृंखला चल रही है, बीच में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू किए, लगभग 100 एमसीक्यू हम लोगों ने किया था। कुछ तकनीकी कारण से 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया, ऐसे फिर ये श्रृंखला शुरू हो रही है। क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी में हम लोग क्लास सिक्स तो पूरी कर चुके हैं, क्लास सेवन्थ में पहला और दूसरा चैप्टर हो चुका है। ये तीसरे चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये जो स्थल मंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसमें हम लोग रहते हैं ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी ये प्लेट घूम रही है धीमी गति से, ये पता नहीं चल पाता। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही मिलीमीटर के लगभग ये घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसमें जो गति होती है उस कारण ऐसा होता है। अगर पूछ दिया पृथ्वी में गति किसके कारण होती है, तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है उसकी गति के कारण ऐसा होता है। ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी अंदर जो मैग्मा है वो किस रूप में घूमता है, तो यहाँ दिया हुआ है कि वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया, इसमें दिखाया गया। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो अगर पूछ दे कि अंतर्जनित बल के प्रक्रिया स्वरूप परिणाम स्वरूप कौन से चीज उत्पन्न होती है, तो अंतर्जनित बल के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गतियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पृथ्वी की गतियों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। पृथ्वी गतियाँ एक अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माण कार्य बल। अपरदन और निक्षेपण में नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद। स्थल मंडलीय प्लेट भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी आकार कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो भूप्रपटी में जहां हम लोग हैं इस समय, वो अनेक छोटी और बड़ी आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, ये प्रपटी है, मेंटल क्रोड हम लोगों ने सिक्स के एनसीईआरटी में पढ़ा था, और यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। तो ये जो छिद्र है इसी को बता रहा है कि ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला कैसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप की बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। बहुत बार उद्गम केंद्र के बारे में पूछता है, तो यहाँ दिया हुआ है भूपरपटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, जहाँ कंपन शुरू शुरू में आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के सतह पर उसके निकटतम स्थान को, अगर ये पृथ्वी है यहाँ उद्गम केंद्र है, तो इसके निकटतम स्थान पृथ्वी पर जो होगा वो अधिक केंद्र कहलाएगा। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में, अब यहाँ से कंपन होता है, कंपन होते हुए इधर चलता है,
तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, जो अधिक केंद्र है ऊपर उसके निकटतम स्थान पर सर्वाधिक हानि होती है। एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। अधिक केंद्र से जितना दूर जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। यहाँ पर बताया गया है भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। ये उद्गम केंद्र है और ये अधिक केंद्र है, जो यहाँ पर सबसे निकटतम दूरी है ये अधिक केंद्र है। अब यहाँ से इधर जाने में भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे तथा पृष्ठीय तरंगे। एल तरंगे ही पृथ्वी की सरफेस पर आती हैं, इसको लव वेव भी बोलते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इसको आप लोग देखेंगे पी एस और एल तरंगे क्या होती हैं। भूकंप का मापन एक ऐसे यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अभी बहुत बार पूछता है भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती हो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय अपरदन आपको क्लासेस के एनसीईआरटी में बता दिया गया था। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। जो पृथ्वी की सतह पर शैल हैं वो जो जहाँ पर हैं वहीं पर अगर टूट जाते हैं, जिस जगह पर हैं वहीं पर टूटते हैं तो उसको अपक्षय की क्रिया कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिंग जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, उसके बाद जब वहाँ टूट गए उसके बाद नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा उनको निक्षेपित किया है, उनको चलते हैं वो, तो उनको विभिन्न घटकों द्वारा जो क्षय होती है उसको अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये देखिए जलप्रपात है, अगर कहीं से ये डायरेक्ट गिर रही है तो ये जलप्रपात बनाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसको आप लोग देख लेंगे, जो बहुत बार पूछा जाता है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तर अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि चाप झील और विसर्प किसके कारण होता है, उसमें देगा नदियों के कारण, हिमानियों के कारण, वायु के कारण। तो ये नदियों के कारण होता है विसर्प और चाप झील जो बनते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आपको जब सुंदरबन डेल्टा हमने बताया था तो हमने इसको बताया था। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं।
जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो पूछता है, तटीय मेहराब और स्टैक किसके कारण बनते हैं? तटीय मेहराब और स्टैक समुद्री तरंग के द्वारा बनते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। समुद्री पुलिन मतलब जो बीच होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये तटीय मेहराब है, ये स्टैक है, ये समुद्री गुफा है। जब ये तरंगे बार बार टकराती हैं इस पर, तो ये इसमें गुफा बना देती हैं। फिर टकराते 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 ये छत भी टूट जाता है, फिर ये दो चीज़ बचती है। इसी में एक इसको स्टैक बोला जा रहा है, छत भी टूट जाता है। हिमनद के कार, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं, और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पूछ सकता है रेगिस्तान का प्रमुख कारक अपरदन निक्षेपण का क्या, उसमें जल, वायु, पवन, हिम दे देगा। तो इसमें बता रहा है, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पूछ सकता है छत्रक सेल किसके द्वारा बनता है, तो उसमें अगर दे दिया समुद्र, नदी, हिम, पवन, तो छत्रक सेल रेगिस्तान में पवनों के द्वारा बनता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। लोयस का मैदान बहुत बार पूछा हुआ है कि किसकी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, तो पवन के द्वारा रेगिस्तान में बनते हैं लोयस के मैदान। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है विशाल लोयस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, किस देश में? तो चीन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है, आइए इसका MCQ हम लोग करते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो सैल और समुद्री गुफा हम लोगों ने पढ़ा था, किनारा नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता बाढ़कृत मैदान, नदियाँ, पुलिन, समुद्र बनाता है, हिमोड़ है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटित होती है? आपको हमने बताया था ज्वालामुखी। छत्रक सैलें पाई जाती हैं, देखिए आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो रेगिस्तान में चाप झील पाई जाती है, हमने बोला था चाप झील और विसर्प नदी घाटी में। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। NCERT अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो सारे प्रश्न ही